28 तो देखो बेटा 28 देखो पहले 28 e to the power under root x upon root x और x plus root x अब ये जो रूट एक्स आ रहा है यहाँ पर तो देखो e की पावर आ रहा है यहाँ पे e आ रहा है ना तो आप e टू दी पावर एक्स जब भी आता है तो आपको विचार करना चाहिए कि ये e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली फॉर्म तो नहीं बन रही है वो देखो बन रही है नहीं बन रही है उसके लिए क्या करो आप इसमें रूट एक्स को t ले लो तो अगर आप रूट एक्स को टी पुट करते हो तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स और डीएक्स इक्वल टू ये आ गया डी तो यहाँ पे जो ये डीएक्स और अंडर रूट एक्स ये वाला इसकी जगह आ जाएगा 2 डी टी तो ये हो गया 2 और डी टी ई की पावर रूट एक्स ये हो गया ई की पावर टी और एक्स की जगह टी स्क्वायर और रूट एक्स की जगह टी और ये बनेगा ना अब आप एक काम करो इसको अलग अलग कर दो दो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो आप टू ई की पावर टी टी स्क्वायर डी प्लस टू ई अगर ये फर्स्ट फंक्शन है तो कितना बनेगा देखो फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका e की पावर t देखो ना इसको हमने फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन ये हमारा पहला फंक्शन ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव 2t और e की पावर t ऐसे ही dt और प्लस 2 ये ऐसे अब आप ये देखो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 2t स्क्वायर e की पावर t और ये आ गया माइनस का 4 t e की पावर t और प्लस का 2 t e की पावर t माइनस 2 t e की पावर t हो जाए ठीक है ये तो बिल्कुल आसान है इसमें क्या करो 2 t स्क्वायर e की पावर t 2 सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन ये फर्स्ट है टी ई की पावर टी माइनस यहाँ क्या आ जाएगा टी का डेरिवेटिव वन टी का डेरिवेटिव वन ई की पावर टी और डी अगेन टू टी स्क्वायर ई की पावर टी माइनस टू टी ई की पावर टी और ये माइनस माइनस प्लस और 2 e की पावर t प्लस यहाँ पे आप वैल्यू डालो 2 e स्क्वायर की वैल्यू x e की पावर रूट एक्स 2 रूट एक्स e की पावर रूट एक्स 2 e की पावर रूट एक्स प्लस आंसर टू ई की पावर रूट एक्स कॉमन ले लो उसमें से क्या बचेगा एक्स माइनस रूट एक्स और प्लस ये आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा 31 ओके 29 भी है 29 देखो पहले 29 31
हाँ बच्चों, क्या करोगे इसमें जरा बताना। टेन थीटा को टी, टेन थीटा को टी रखें तो रख के देखो क्या रहा है। टेन थीटा को टी रखो, मल्टीप्लाई करके और बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रूल, अगर हम टेन थीटा को टी रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा। देखो रखे क्या आता है, अगर आपने टेन थीटा को टी रखा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये डी भी बन जाएगा। तो यहां से डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी डी पी अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, That is 1 plus t square. ये e to the power t बन गया। अब sec theta की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? यहाँ से sec theta कितना देगा? Sec square theta होता है 1 plus tan square theta होता है ना? तो ये आ जाएगा 1 plus t square, यानी root 1 plus t square minus sin क्या होता है? Perpendicular upon hypotenuse. तो perpendicular है t, triangle बना के निकाल लेना बेटा, triangle perpendicular upon base है ना, root 1 plus t square बन जाएगा। यहाँ से sine की value perpendicular upon hypotenuse, t upon root 1 plus t square, और d theta की value d t upon 1 plus t square. अब आ गया है e की पावर t, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस t स्क्वायर माइनस e अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर की पावर t बाई t और d। अब आप ये देखो क्या ये वो वाली फॉर्म बनी क्या? कौन सी वाली फॉर्म? e की पावर x f x प्लस f डैश x, क्या वो फॉर्म बन रही है? चेक करो, ये अगर मैं फंक्शन देता हूँ तो इसका डेरिवेटिव करके देख लो। इसका डेरिवेटिव करोगे 1, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं 1 प्लस t स्क्वायर की पावर हो जाएगी माइनस 1 बाय t। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? n माइनस वन होता है ना, माइनस वन बाई टू आगे आ जाएगा, वन प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू, और फिर वन प्लस टी स्क्वायर का करेंगे इंटू टू टी, दो से दो कट गया, क्या बचा? माइनस टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर की थ्री बाई टू, यही तो आ रहा है। कौन सी फॉर्म बन गई? e की पावर x f x प्लस f डैश x। तो इसका पूरे का सॉल्यूशन क्या होता है? e टू द पावर t और fx होता है, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस t स्क्वायर, समझ आया? अब e की पावर t, e की जगह t कितना है? 10 t है, तो e की पावर 10 t होगा, और t की जगह 10 t, 1 प्लस 10 स्क्वायर t, ये हो गया कितना? 1 प्लस 10 स्क्वायर sec स्क्वायर, sec स्क्वायर का sec cos t है, और प्लस सम कांस्टेंट, तो e की पावर 10 t cos t इसका आंसर होना चाहिए। बताओ बेटा, समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें? मल्टीप्लाई करके भी करके देखो, हो सकता है आप बिल्कुल हो जाएगा। आप इसको e की पावर 10 थीटा sec थीटा और e की पावर 10 थीटा sin थीटा और इसमें बाई पार्ट कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। उससे भी करके देखो। अगला क्वेश्चन आपने पूछा था, नेक्स्ट कराता हूं। तो ये था आपका 29, 29 के बाद कौन सा पूछा था? 31, 31 पूछा था, 31 देखो। एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 31 का। तो 31 में एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन से ही तो है, तो आप इसका इंटीग्रेट कर दो फंक्शन का। आओ
क्या करोगे आप इसमें? देखो एक तो मुझे ऐसे ही पता लग रहा है कि नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर है, ऊपर भी मैं 1 बना लूं तो ये कितना बन जाएगा, 1 यहाँ ऐड कर दिया, 1 डायरेक्ट कर दिया, 1 माइनस कर दिया, और जब मैं इसको अलग अलग करूंगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अपन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक तो 1 बचेगा और नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ से अब हमारे पास दो इंटीग्रेशन आ जाएंगे, अलग अलग करेंगे dx, तो इसका इंटीग्रेशन तो x हो गया और एक बचा हमारे पास dx अपॉन। क्या मैंने ये फॉर्म आपको कराई है, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन? ठीक ठीक ठीक, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, तो साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन करना होगा, ये है dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स की दो, या b प्लस a प्लस b cos स्क्वायर, cos स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो दोनों में ही कॉमन करना है। तो जब आप साइन स्क्वायर कॉमन करोगे तो ये कितना आएगा यार, cos x स्क्वायर बना कौन साइन स्क्वायर होगा, cos x स्क्वायर होगा ये 1, और जो साइन स्क्वायर x यहां से कॉमन लिया है साइन स्क्वायर वो ऊपर जाके cos x स्क्वायर ये बनता है। ये जो cos x स्क्वायर x है इसको लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर, और फिर cot x को क्या लिख देते हैं, cot x को t लिखते हैं, ये माइनस cos x स्क्वायर x किसके इक्वल हो गया, d के। यहां कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये dt, बेटा इसको 1 प्लस cot स्क्वायर लिखा है ना, तो 2 प्लस t स्क्वायर हो गया, और ये सीधा सीधा फॉर्म बन गई कौन सी, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या होता है इसका 1 अपॉन a, 1 अपॉन a हो गया ये, और tan इनवर्स और t अपॉन अंडर रूट 2 हो गया प्लस c हो, तो बस t की वैल्यू डाल दो यहां पर cot x वो आंसर आ गया। ये आर्क लिखा है ना इसमें, आर्क का मतलब इनवर्स से है, tan इनवर्स, इसको हम आर्क टेन भी लिख सकते हैं, आर्क टेन, और टी की वैल्यू डाल लेंगे cot x, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, थर्टी सेवन ये f डैश x दिया हुआ है, एफ डैश एक्स 3x² साइन 1/x, माइनस एक्स कॉस 1/x, इफ एक्स इज नॉट जीरो F00 F1.50 इसमें एक तो पूछा है कि क्या fx कंटिन्यूअस है, फिर fx इज नॉन डेरिवेटिव, f dash x is continuous और f dash x is not derivative, तो पहले सबसे पहले तो f dash x दिया हुआ है तो इसी को चेक कर लेते हैं कि f dash x यानी यही फंक्शन क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो x equal to 0 पर ये कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है, तो कैसे चेक करोगे इसको कंटिन्यूस है या नहीं है 0 पे, बताओ f dash x कैसे चेक करोगे कि f dash x कंटिन्यूअस है या नहीं है। पहले चलो इसी को फाइंड करते हैं कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो अगर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर x इज नॉट जीरो तो
एफ जीरो जीरो एंड एफ वन अपॉन पाई इक्वल टू जीरो, देन एक्स जीरो नहीं है, एक्स इज नॉट जीरो। तो अगर एक्स को हम जीरो से थोड़ा सा छोटा लें, एक्स को हमने थोड़ा सा छोटा ले लिया, एक्स को अगर हमने थोड़ा सा छोटा लिया तो ये जो वैल्यू आएगी साइन वन बाई एक्स की, ये वैल्यू माइनस वन बिटवीन माइनस वन और वन के बीच आएगी, आएगी कि नहीं? अगर हमने एक्स को थोड़ा सा छोटा ले लिया जीरो से, तो वन अपॉन एक्स कोई वैल्यू आएगी, मतलब का कोई वैल्यू रही होगी, तो साइन वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो बिटवीन माइनस वन और वन के बीच में नहीं आएगी। और एक्स को हम जीरो ले रहे हैं, जीरो से थोड़ा छोटा ले रहे हैं, ये वाली जो वैल्यू आएगी ये जीरो आएगी, तो टोटल जो वैल्यू होगी जीरो। इसी तरह से यहाँ पर भी जो आएगा एक्स की वैल्यू कितनी होगी जीरो, और ये कॉस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी ये भी बिटवीन माइनस वन एंड वन ही होगी, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई जीरो। ये तब आई जब हमने कम लिया लेफ्ट लिमिट के, लिमिट x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा कम लिया, तो तब ये f(x) की वैल्यू आई। इसी तरह से अगर हम f(x) की वैल्यू टाइम करें जब x 0 से थोड़ा बड़ा हो, तो 0 से थोड़े बड़े पर ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू बिटवीन माइनस 1 और 1 आएगी, ये भी ऐसी आएगी, तो ये टोटल वैल्यू 0 आएगी, और f 0 भी 0 है। तो हम देखते हैं कि f s x जो है तो वो जीरो से थोड़ा छोटा होने पर, थोड़ा सा बड़ा होने पर और जीरो पर वैल्यू कैसी आ रही है, जीरो ही आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश x जो है वो कंटीन्यूअस है, f डैश x कंटीन्यूअस है। क्लियर है बात? क्या है, क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? इतनी बात समझ में आई? अगर f डैश x कंटिन्यूस है तो अब हमको फाइंड करना है, तब हम f x के बारे में क्या कह सकते हैं? देखो f डैश x कंटिन्यूस हो जाएगी है ना, इसका मतलब f x भी कंटिन्यूस रहा होगा, तभी तो f डैश x कंटिन्यूस आ रहा है। अगर f x कंटिन्यूस नहीं होगा तो f डैश x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कंटिन्यूअस ही नहीं होगा। अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं होगा तो एफ डैश एक्स भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है। क्लियर है क्या बात? क्या ये बात क्लियर होगी आपको कि अगर एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस है तो तभी तो कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस है यानी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, f डैश x कंटिन्यूअस है, ये तभी तो कंटिन्यूअस आएगा जब फंक्शन भी कंटिन्यूअस रहा होगा, fx भी कंटिन्यूअस रहा होगा। अगर f डैश x ही कंटिन्यूअस नहीं होगा तो fx भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्या आपको क्लियर है ये बात कि fx भी कंटिन्यूअस होगा? तो fx भी कंटिन्यूअस हो गया। अब तीसरी बात f डबल डैश x के बारे में पता करना, तो इसके बारे में पता करना है डबल डैश एक्स के बारे में। ये डेरिवेबल है या नहीं है, एफ डैश एक्स इज नॉन डेरिवेबल, तो आप इसका डेरिवेबिलिटी चेक कर दो जीरो पे। डिफरेंशिएबिलिटी आप कैसे चेक करते हो, जो डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन लगा के वो चेक कर दो, तो आपका आंसर भी हो जाएगा ए हो जाएगा, एफ एक्स कंटिन्यूस हो गया, सी तो हो ही रहा है एफ डैश एक्स, और अगर ये इनमें से आ गया बी एफ एक्स नॉन डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल नहीं, एफ डैश एक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, एफ डैश एक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये बी तो नहीं हो सकता, एफ एक्स इज नॉन डेरिवेबल, तो आंसर ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा और डी एक और हो जाएगा। चेक करो, रिपीट कर रहा हूं दोबारा देखो, अगर हमारा एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये एफ डैश एक्स को कहा ना कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा,
और क्योंकि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है जीरो पर, ये नॉन डेरिवेबल होगा, ऐसा नहीं होगा, नॉन डेरिवेबल होगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए बी नहीं हो सकता। डी एफ डैश एक्स इज नॉन डेरिवेबल, और एफ डैश एक्स को इसको चेक करना है कि नॉन डेरिवेबल है या नहीं है। इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना है, तो उसके लिए आपको दो तरीके से आप चेक कर सकते हो। एफ डैश एक्स कंटिन्यूस है तो या तो आप इसका डेरिवेटिव चेक कर लो एफ डबल डैश एक्स, एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दो, और उसके बाद x इक्वल टू जीरो पर जीरो प्लस जीरो माइनस और एफ जीरो निकाल दो। अगर वो इक्वल आ गया तो तब ये डेरिवेबल होगा, और इक्वल नहीं आया तो नॉन डेरिवेबल होगा। एक तरीका ये भी है, या फिर डेरिवेटिव की डेफिनेशन से जो आपने पढ़ी होगी डिफरेंशिएबिलिटी की, उसमें वो लगा करके या सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट करके, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, डिफरेंशिएट कर दो जीरो पर इसकी लिमिट निकाल, बस आ जाएगा जैसे ये निकाला है उसी तरह से आएगा। आपको इसके इक्वल ये है तो आपको फाइंड क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट के लिए क्या करें, ये अगर इसको हम cos की पावर 11 से डिवाइड कर दें, cos की पावर 11 cos की पावर 11 से डिवाइड कर दिया, ये बचेगा cos की पावर 3 sin 11। इसको ये आपको एक फॉर्म बताई थी, ऐसा क्या क्यों है, ये तो 10 नहीं है। ये कितनी पावर कट गई, 8, 3 पावर कट के 8 आ गया, बार अपॉन cos 8 ऊपर चला गया, sec हो गया, कितना हो गया sec 8, उसका रूट आ गया sec 4 आ गया, sec 4 आ गया, sec 4 को sec स्क्वायर को अलग लिख दो, secant स्क्वायर को अलग लिख दो, और 8 secant स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर को आप इसे cos की पावर 11 से डिवाइड इसे मल्टीप्लाई क्यों किया गया था, क्योंकि ये तो 10 बन गया, 10 की पावर 11 बन गया, और ये जो cos की पावर 11 है 3 पावर यहां से माइनस कर दी, 8 पावर रह गई, 8 1 अपॉन cos 8 रह गई, यानी secant 8 हो गया रूट के अंदर, secant 8, secant 8 का रूट निकालोगे secant 4 आएगा, secant 4 में से secant 2 अलग हो गया, secant 2 ये वाला, इसे 1 plus 10 square, और अब आप समझ रहे होंगे कि क्या करना है। अब इसमें 10x को t है, तो secant square x और dx को क्या लिख देंगे, dt, ये कितना हो गया 1 plus t square, और ये dt अपॉन कितना हो गया t की पावर 11, इसे अलग अलग कर दो, 1 अपॉन t की पावर 11 और ये 1 अपॉन t की पावर 9 और ये।
अब तो सिंपल है, p की पावर माइनस 11 इसका इंटीग्रेशन कर दो, p की पावर माइनस 9 का कर दो और p की वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत? बाद में कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत? करूं क्या इसको आगे? अंडर रूट में है, अरे तो अंडर रूट में है तो क्या हो गया? अच्छा ये अंडर रूट में है तो क्या हो गया? ये रूट आ जाएगा तो ये 11 बाई 2 होगी पावर, 1 अपॉन 11 बाई 2 हो गया, तब भी तो सही बनेगा, और 11 बाई 2 और 2 ये हो गया, इतना बचेगा 11 बाई 2 में से, 11 बाई 2 पावर में से 2 माइनस करो तो 4, 7 बाई 2 बचेगा, ये 7 बाई 2 तो अब कर लोगे? बताओ, सिंपल इंटीग्रेशन तो है, t की पावर माइनस 11 बाई 2, t की पावर माइनस 11 बाई 2, 1 ऐड कर दो, सिंपल तो है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ। 38 38 क्वेश्चन में इसमें ब्रैकेट क्लियर नहीं है, शायद ये रहा हो, इसको करके देखो, ऐसे log x माइनस 1 शायद इसका स्क्वायर है, log x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और dx इसको करके देखो, क्योंकि इसमें जो है स्क्वायर किसका है ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो अगर इसको करके देखते हैं तो देखते हैं क्या आएगा, इसको खोल दीजिए, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो log x प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन इसे अलग अलग करेंगे तो ये इसके 1 प्लस log x का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 और माइनस 2 1 प्लस log x का, ऐसे बन गया। अलग अलग करें तो ये तो x आ जाएगा माइनस 2, ये बचा और dx, एक काम और कर सकते थे भाई, इसको यहीं पे ना log x को t ले देते, log x को t, क्योंकि log x t अभी भी लेना पड़ेगा, तो अगर यहीं पे log x को t ले लें तो x हो गया e की पावर t, तो dx हो गया e की पावर t dt, तो देखते हैं कुछ बनता है क्या, छोटा हो जाता है क्या,
यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे ना तो ये टी टी की पावर टी और वन प्लस टी स्क्वायर। अगर यहाँ पर रखेंगे तो बनेगा टी माइनस वन का होल स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर और टी की पावर ऐसे बनेगा। अगर यहीं पर रखेंगे और इसको अलग अलग करेंगे वन प्लस टी स्क्वायर ये आएगा वन प्लस टी स्क्वायर माइनस का टू टी और वन प्लस टी स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो वही आ जाएगा वन माइनस टू टी अपॉन अलग अलग करने पर क्या आएगा e की पावर t तो और बड़ा हो जाएगा। इसका क्वेश्चन की पावर का इसका क्लियर पता नहीं लग रहा है भाई इसका क्या है। अगर होल स्क्वायर ले दोनों का पूरे का होल स्क्वायर ले इसको चेक करूंगा क्वेश्चन को इसमें मिस्टेक है क्लियर नहीं हो रहा है। अगर होल स्क्वायर लेते तो कुछ और कैसे अगर होगा होल स्क्वायर तब देखूं करके फिर एक बार इसको चेक करना पड़ेगा आगे जाकर तो एक लिया बना तो और मिलता है इसको करके देखो। तो मैं चेक करने आया तो और मैं अगला क्वेश्चन पूछूं। अगर ये होल स्क्वायर लेके करते हैं लॉग x को t ही रखते हैं तो देखना क्या करेंगे x e की पावर t हो गया तो dx e की पावर t dt ये बन गया t माइनस वन वन प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर और अब dx की जगह t की पावर t और dt ये t स्क्वायर प्लस वन हो गया हो गया इसको t स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी और अलग अलग भी कर दिया t माइनस वन का होल स्क्वायर है ये हो गया t स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी और नीचे है वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको जब अलग अलग करेंगे तो एक पावर इससे कट गई ये हो गया आपका वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और ये हो गया टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का आ गया। इसका डेरिवेटिव ये होगा यानी ये पूरे की पावर टू है इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा यही होगा कैसे वन प्लस टी स्क्वायर को माइनस वन तो माइनस वन आगे आ गया माइनस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा और ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा वन प्लस टी स्क्वायर का वन का जीरो टी स्क्वायर का टू टी ये तो आंसर क्या आ गया इसका e की पावर टी वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और टी की वैल्यू डालो लॉग एक्स वो आंसर आ गया e की पावर टी को एक्स अपॉन वन प्लस टी की वैल्यू लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये आंसर है। कॉस क्यूब ये है डी एक्स अपॉन कॉस क्यूब अंडर रूट साइन टू एक्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं
dx cos cube इसको 2 sin x cos x लिख देते हैं। और एक चीज आप देखो कि जैसे साइन आ रहा है ना, इसको आप अगर कॉस से डिवाइड कर दो और कॉस से मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर हो गया। ऐसा क्यों? इससे ये फायदा हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर बाहर आ गया, कॉस की पावर 4 हो गया, ये वाला कॉस बाहर आके कॉस की पावर 4 हो गया, कॉस की पावर 4 ऊपर गया, सेकंड की पावर 4 हो गया। सेकंड की पावर 4 को एक सेकंड स्क्वायर को अलग लिख दो और एक जो बचा उसे 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब ये बचा रूट टू, इसको अलग लिख दिया गया, बचा साइन अपॉन कॉस अंडर रूट टेन एक्स। फायदा क्या हुआ? अब आप समझ गए होंगे क्या फायदा हुआ है। टेन एक्स को टी देगा, जब आप टेन एक्स को टी लेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स और डी एक्स ये कितना हो गया डी टी। तो अब क्या आया हमारे पास, ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर और ये सीकेंट स्क्वायर डी एक्स ये बन गया डी टी और नीचे अंडर रूट टी। अब तो सिंपल है, अलग अलग कर दो, वन अपॉन रूट टू और ये कितना बचेगा यार e की पावर 3 बाय 2। क्या कोई दिक्कत है किसी को इसको इंटीग्रेट करने में? ये मैंने आपको फॉर्म कराई थी, याद है आपको क्या फॉर्म कराई थी, क्या करना होगा इसमें, कैसे कर सकते हो आप इसको? एक तो आप इसे 1 माइनस साइन एक्स से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके क्या देगा 1 माइनस साइन और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। एक तरीका तो ये है, एक दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है, ये एक फॉर्म आपको कराएगी कि आप इसमें साइन एक्स को 2 टेन एक्स बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। एलसीएम लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, ऊपर सेकंड स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया और नीचे आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x / 2 ऊपर 2 tan x / 2। ये 1 प्लस tan x / 2 का होल स्क्वायर होगा और 1 प्लस tan x / 2 को t दे, तो secant स्क्वायर x / 2 1 / 2 dx dt twice of dt रहता है, तो then this becomes 2 dt upon t square। अभी ठीक है, अब क्या होगा 2 1 upon t square का integration minus 1 by t minus 2 by t की वैल्यू चेंज करेंगे तो 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा cos x / 2 और ये cos x / 2 sin x / 2 cos x / 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा cos square x by 2 minus sin square x by 2, तो cos x बन जाएगा और ऊपर cos x by 2 और ये ऊपर cos x by 2 minus sin x by 2। तो अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा minus 2 cos square x by 2 और minus 2 sin x by 2 cos x by 2, चेंज करना पड़ेगा ना,
टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को लिख सकते हैं वन प्लस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस वन प्लस कॉस एक्स और ये माइनस का साइन अपॉन कॉस एक्स। आंसर तो इसका ये अगर हम कर रहे हैं तो यहीं पे आ जाएगा, पी की वैल्यू रख दी हमने तो यही आंसर हो गया माइनस वन माइनस 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 कॉमन लीजिए वन प्लस और प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स तो माइनस का वन साइन को पाई बाई टू माइनस एक्स लिखे कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। और अब ये चेंज करने के लिए आंसर लाने के लिए बड़ा हो गया इसको, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको sin x को 2 tan x y को ये ना रखें, अगर हमको ये इक्वल ना दे रखा होता तो यही आंसर था यही करेक्ट होगा, क्योंकि हमें मैच करना है ये दूसरे किसी मेथड से किया गया तो हमको इसको चेंज करने में काफी टाइम लगेगा। तो आप क्या करोगे इसको यहीं पे 1 माइनस sin x से दूसरे मेथड से करना, 1 माइनस sin x से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना, उससे आपका ये छोटा हो जाएगा, तब इतने स्टेप्स नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ से आगे हमको चेंज ज्यादा करना पड़ेगा, फिर इसको ये डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, अगर 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बहुत छोटा पड़ेगा, ये कॉस एक्स है इसको क्या करोगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, फिर क्या करोगे 1 प्लस कॉस एक्स इसको लिखो 2 कॉस स्क्वायर और ये आधा हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स और नीचे कितना हो जाएगा 2 साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, दो से दो कट जाएगा कॉस से कॉस कट जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस कॉट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू और इसको टेन में चेंज करो ये आंसर आ जाएगा, माइनस कॉट आ रहा ना तो इसको लिखो आप टेन पाई बाई टू tan pi by 2 plus pi by 4 minus x by 2, ये हो गया 3 pi by 4, ये हो गया, इस तरह से आप इसको चेंज करो। tan 3 pi by 4 plus x by 2 एक चीज और भी देखो यहाँ पर, अब ये माइनस आ रहा है इसको भी चेंज करना पड़ेगा यार, माइनस लेके और क्योंकि ये आना चाहिए था प्लस में बनाना था ना इसको, यही ले लेते इसको माइनस कॉमन ले लेते तो ये प्लस हो जाता कितना और माइनस कॉमन ले लो और एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर, अब इसमें पाई बाई टू प्लस कर लो हाँ बस इसमें पाई बाई टू प्लस कर लो, जब यहाँ पाई बाई टू प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा टेन पाई बाई टू प्लस एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर बचेगा आपका आंसर हो जाएगा B A equal to pi by 4 आ जाएगा।